नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में जब वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करते हैं बजाना या फिर सीखना, तो वो ये क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम में वो इंस्ट्रूमेंट सीख पाएंगे। अगर आप बांसुरी लेके आते हैं तो आपके मन में यही सवाल आता है कि मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, कितने टाइम के अंदर मैं कितने महीने में, कितने दिन में, कितने साल में सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी। उससे पहले बता दूं कि मेरा बैच जो है नया वो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। उसके कुछ दिन रह गए हैं एनरोल करने के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, डिटेल्स लीजिए और उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए और अगर आपको सिर्फ कोर्स मटेरियल चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। जो क्वेश्चन है कि कितने दिन में हम सीख पाएंगे, सबसे पहली बात ये कि किसी भी आर्ट का, किसी भी कला का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कुछ सिलेबस होता है स्टडी का, तो उसको हम बोल सकते हैं कि 6 महीने के अंदर मुझे कवर करना है, तो वो मैं याद कर लूँगा तो वो हो जाएगा। लेकिन जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होती हैं, इसको हम ग्रेस्प नहीं कर सकते पूरा। आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे। जितने भी बड़े कलाकार होते हैं वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे पूरा आ गया या फिर मैं पूरा सीख गया, क्योंकि ये इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। लोगों की ज़िंदगी चली जाती है किसी भी आर्ट को परफॉर्म करने में। तो आपका भी यही मोटिव होना चाहिए कि आपको किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर नहीं सीखना है। आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो मेन मोटिव है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 1 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर वो चीज़ सीखनी है, सीख के ख़त्म कर देना है। नहीं, आपको बेसिक चीज़ें होती हैं उनको ग्रेस्प करने की कोशिश कीजिए, कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझिए, फिर उनको अप्लाई कीजिए और डे बाय डे इम्प्रूव कीजिए। आपको ये होना चाहिए कि 1 हफ्ते पहले जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में आज मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ या ना हुआ। अगर हुआ है तो उसका रीज़न देखिए, नहीं हुआ है तो उसकी कमियां देखिए क्यों नहीं हुआ है, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे ब्लोइंग जब हम फ्लूट पर करते हैं, फूंक मारते हैं, तो उस पर आप थोड़ा टाइम दीजिए। 4 से 5 दिन आपको लग सकते हैं प्रॉपरली ब्लो मारने में। पहले उसमें नॉइस आती है, सबसे पहले तो कुछ नहीं आता उसमें, ना फूंक आती है सिर्फ आपकी। फिर जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे, मैंने अपने कोर्स में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको प्ले करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइडेंस है। तो आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, तो आप वो ले सकते हैं मेरे ऐप के थ्रू, शिव्स म्यूजिक ऐप। फिर ब्लो करने के बाद आपका फिंगर्स का मूवमेंट होना चाहिए, उस पर आप कुछ दिन दीजिए, 7 से 8 दिन आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपकी फिंगर्स का जो मूवमेंट है वो सेट हो जाए होल्स के ऊपर। जो फ्लूट के अपने होल्स होते हैं, प्लेइंग होल्स, वहाँ पर आपकी फिंगर्स सेट हो जाए। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। अगर उनको आप स्किप करके, उनको छोड़ के आप डायरेक्ट सीखते हैं, कोई भी गाना आप यूट्यूब से ले सकते हैं, लेकिन तो उनमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी गाना रट लेंगे, कोई बताएगा कि आपको ये होल पर उंगली हटानी है, रखनी है, तो वो चीज़ आप रट सकते हैं, उसमें बच्चा भी रट सकता है। लेकिन जब आपको बात आएगी कि आप खुद से गाना प्ले कीजिए, खुद से कोई नोट्स निकालिए, तब आपको वो प्रॉब्लम फेस होगी। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं, जो म्यूज़िक की ABCD है, जो नोटेशंस होते हैं, सरगम होती है हिंदी फॉर्म में, वो जानना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आप कुछ अलंकार कीजिए, बेसिक अलंकार इसे स्टार्ट कीजिए। आप उस पर 10 से 15 दिन उसको डेडिकेटली दीजिए। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लेते हैं, तो जो मेरा बिगनर का कोर्स है वो 3 मंथ्स का मैंने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया है। लाइक 3 मंथ्स में आपकी थोड़ी बहुत कमांड हो जाएगी फ्लूट पर, अगर आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और फॉलो करते हैं। 3 मंथ्स को डिवाइड किया है, जैसे लाइक फर्स्ट वीक में आपको ब्लोइंग पर प्रैक्टिस करनी है, सेकंड वीक पर आपको फिंगर्स मूवमेंट में, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अगर आप कोर्स नहीं भी देते तो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने लिए खुद को ऐसे डिवाइड कीजिए, हर चीज़ पर एक टाइम दीजिए। अगर आप ब्लोइंग कर रहे हैं तो ब्लोइंग परफेक्ट होनी चाहिए, उससे पहले अगर वो ख़त्म नहीं होती है तो आप आगे मत बढ़िए। पहले ब्लोइंग को परफेक्ट कीजिए, फिर आप फिंगर्स मूवमेंट को परफेक्ट कीजिए, फिर म्यूज़िक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लीजिए, फिर अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए। अलंकार हो जाने के बाद फिर आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आप जो सॉन्ग्स हैं, जो कई लोगों के ट्यूटोरियल्स हैं, मेरे भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, वहाँ से आप इंटरेस्ट जगाइए। अगर आपका इंटरेस्ट एक बार बन गया, देन आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता, आप किसी ना किसी माध्यम से सीख ही लेंगे। मेन चीज़ है आपका इंटरेस्ट जगाना, वही मैं अपने बैचेस और अपने कोर्स में कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ मैंने आपको बताया है, होपफुली आपको मदद मिली होगी। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।